हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाशियाकरण से निपटना। ठीक है, तो अभी हमने अध्याय 7 में समझा कि हाशियाकरण के बारे में, कि हाशियाकरण का रियल में मीनिंग क्या होता है, देन इसमें कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इसकी चपेट में अभी भी हैं। ठीक है, तो उसमें से एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सारी बातों को समझा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो समस्या है तो इससे निपटा कैसे जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हाशियाकरण है यदि कोई भी किसी भी वर्ग समुदाय को किसी भी हाशिए में रखा जा रहा है तो उसके लिए हम देख तो नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ निदान हमको करना ही पड़ेगा। सो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो अध्याय 8 है इसमें सारी जितनी भी बातें हैं पुरुष में यही समझाया गया है कि किस तरीके से हम हाशियाकरण से निपट सकते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स हम लोग नोट कर लें, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है और इसमें बात की गई है अग्राही, तो आपको ये लिखना है अपने नोट्स में। तो यहाँ पर हम बात करें अग्राही का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति या समूह, व्यक्ति मतलब कि हम आप कोई भी, समूह मतलब कि हमारा आपका कई सारे लोगों का एक समूह बना लिया गया है, तो वो पुरजोर का मतलब क्या है कि पूरी ताकत से। ठीक है, यानी पूरे अधिकार से क्या कर रहा है कि पुरजोर तरीके से अपनी बात हम किसी के सामने यदि रखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, आग्रही कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड जो आता है बहिष्कार, और बहिष्कार की यदि हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देना या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहिष्कार का मतलब क्या हो गया कि किसी, यदि हम सीधे तौर पे अपने रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो आपको पता होगा कि बोल दिया जाता है कि समाज के द्वारा किसी व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, या कि यदि हम कुछ ऐसा अनैतिक कार्य करते हैं जिसके द्वारा हमें यहाँ समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, घर से बहिष्कार कर दिया जाएगा, तो खैर घर से होता है कि आपको निकाल दिया गया। ठीक है, हर एक वर्ड जितने भी होते हैं उनका हमारा कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो हम यह ऐसा नहीं कह सकते हैं कि घर से बहिष्कार कर दिया गया। हाँ, ये हो सकता है कि परिवार से आपको बहिष्कार कर दिया गया, फिर भी उतना ये उचित नहीं होगा जितना कि परिवार से आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बोलते कि समाज से किसी को बहिष्कृत कर दिया गया है तो ये वहाँ पर शब्द बिल्कुल सार्थक होता है, सटीक बैठता है कि समाज से किसी भी व्यक्ति को बहिष्कार कर दिया गया है या उसका बहिष्कृत कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। ठीक है, आपको क्या किया कि किसी समूह से या किसी भी जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से क्या करना, बाहर निकाल देना, तो इसमें क्या होता है या कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देने, यानी कि प्रतिबंधित कर देना हमको कि आप ऐसा नहीं करोगे, जो भी है थोड़ा बहुत उसमें जो भी बातें आती हैं कि किसी भी तरीके से आप के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे जा नहीं सकते हो, आप यहाँ पे आ नहीं सकते हो, तो वो सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वर्ड है वो किसके, इस अध्याय के उससे सापेक्ष से देखें तो यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति या उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जा रहा। ठीक है, तो समाज क्या करता है, उसको एक मतलब अपने या ये मानते हैं कि ये हमारे समाज में शामिल होने लायक नहीं है। और आपको पता है कि समाज में एक परिवार नहीं, कई परिवार शामिल होते हैं। हमारे घर में एक सदस्य होता है, उसके बाद एक सदस्य के बाद और कई सदस्य होते हैं, तो हमारा घर बनता है, घर से हमारा परिवार बनता है, लेकिन उसके बाद कई परिवारों से हमारा समाज बनता है। ठीक है, और समाज में कई जाति धर्म वर्ग के लोग होते हैं, निवास करते हैं, तो यहाँ पे समाज के द्वारा किसी को बहिष्कृत कर देना,
हम क्लास सिक्स में क्लास सेवन्थ में भी अच्छे तरीके से पढ़े हैं कि कैसे एक उच्च कुल के जो उच्च वर्ग के लोग होते थे तो जो निम्न वर्ग के लोगों को वो समाज से बहिष्कृत कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे समाज का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये इसमें यदि हम बात करते हैं, आप हमेशा एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जितने भी वर्ड होते हैं उनका मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो सब फालतू के नहीं होते। ठीक है, यदि घर आया है तो इसमें घर की बात की गई है, परिवार की बात की गई है, समाज की बात की गई है। यानी हम सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं कि समाज में भी व्यक्ति रहते हैं तो वही है, और घर में भी व्यक्ति ही रहते हैं और परिवार में भी आदमी ही रहते हैं तो सब सेम है। सेम नहीं है। ठीक है, घर में है कि आप रह रहे हो, यानी कि सिंगल फैमिली रह रही है, परिवार आपका हो गया कि आप मिक्स फैमिली में रह रहे हैं, कंबाइंड फैमिली आपकी रह रही है, लेकिन उसके बाद कई परिवारों से मिलके, कई धर्म के लोगों से मिलके, कई जाति धर्म के वर्ग के और भी जो कि मतलब हर तरह के लोग मिलते हैं, तब हमारा समाज बनता है। ठीक है, उसका निर्माण होता है। तो हर एक जो वर्ड है उनकी मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे बहिष्कृत का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं नैतिक रूप से निंदनीय, यानी कि यदि हम बात करें तो कोई हमको एथिकल रूप से क्या कर रहा है, निंदनीय है, कैसे है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे कृत्य होते हैं, कृत्य मतलब कार्य होता है। ठीक है, तो ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बात की जा रही है कि ये ऐसे कार्य होते हैं या कृत्य होते हैं, यदि हम एक अपने अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो कार्य की जगह कृत्य लिखेंगे तो बेटर होगा। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि ये ऐसे कृत्य होते हैं, ठीक है, यानी कि नैतिक रूप से निंदनीय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। यानी कि जो हमारी सभ्यता, यानी हमारी सभ्यता जो हमको सिखाती है उसके, और जो प्रतिष्ठा होती है उन सारे इन मतलब सभ्यता और प्रतिष्ठा में जितनी भी बातें कही जाती हैं, जितने भी कायदे कानून बनाए जाते हैं, उन सबके किसी ऐसे व्यक्ति का या कानून के खिलाफ कोई जाके कुछ काम करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसके द्वारा यदि इतना घृणित कार्य किया जाता है तो इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। ठीक है, यानी कि नैतिक रूप से निंदनीय, जैसे कि कोई यदि रेपिस्ट है तो उसको हम नैतिक रूप से निंदनीय कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उसकी निंदा हम करेंगे, वो हमारी सभ्यताओं के खिलाफ जाके काम कर रहा है, प्रतिष्ठा के खिलाफ, कानून के खिलाफ जाके काम कर रहा है। कोई यदि क्या कर रहा है, किसी को मतलब क्रिमिनल है, ठीक है, मार रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी इच्छा से काम कर रहा है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यदि हम नीति शास्त्र में बात करते हैं तो नैतिक में होता क्या है कि यदि आप अपनी इच्छा से, ठीक है, यानी कि ऐच्छिक कर्म करते हो, अपनी इच्छा से कोई काम करते हो आप, तो वहाँ पे समाज आपको अनैतिक मानेगा। यदि आप सही काम करते हो इच्छा से, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, यदि आपसे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, सपोज डेट आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आते हैं और आपके मतलब कि आपके ब्रेन में पिस्टल रखते हैं और बोलते हैं सारा पैसा जितना भी है बैग में भर के और गाड़ी तक पहुँचा के आओ, तो वहाँ पे हमारी मर्जी नहीं है, यानी कि हम नहीं चाहते उस काम को करना, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि वो काम हमारे लिए समाज हमको अनैतिक नहीं बोलेगा, बिल्कुल हमारी निंदा नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम हम विवश थे ये काम करने के लिए, हम उस टाइम विवश थे। ठीक है, जो बैंक मैनेजर है तो वो इस कार्य के लिए विवश था, लेकिन यदि वहीं पे एक रेपिस्ट है, वो अपनी इच्छा से किसी का ऐसा काम करता है, ठीक है, किसी के साथ इतनी घृणित हरकतें जो है वो करता है, वहाँ पे समाज उनकी निंदा करेगी, क्योंकि वो
नैतिक रूप से निंदनीय है। ठीक है, जब आप एथिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझाई गई हैं कि एक ऐच्छिक रूप से कैसे आप, मतलब कि नैतिकता में हमेशा यही होता है कि जब हम अपनी इच्छा से काम करते हैं तभी नैतिक या अनैतिक कहलाते हैं, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती करवाता हमसे तो वो हमारे नैतिकता में शामिल नहीं होता है। तो इसमें क्या बात की गई है कि नैतिक रूप से निंदनीय, कि जो हमारे सभ्यता के खिलाफ जाके काम करे, जो हमारी प्रतिष्ठाओं के खिलाफ, यानी कि किसी के ऐसा कार्य करने से, कोई चोरी कर रहा है और उसका पैसा पड़ गया है चोरी करना, उससे हमको क्या हो रहा है कि मतलब उसके परिवार के, घर समाज की जो भी प्रतिष्ठा बनी बनाई थी वो सारी मिट्टी में मिल रही है, उसके खिलाफ जाके वो काम करता है, या कि कानून, जो भी नियम कानून बनाए गए थे, कानून के द्वारा जो भी मतलब नियम बनाए गए थे उनके खिलाफ जाके कोई काम करता है, तो यहाँ पे वो नैतिक रूप से निंदनीय होगा। ठीक है, सो आई होप कि ये वर्ड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नीति। नीति की बात करें तो एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, यानी कि इसमें क्या बात कह गए है, कोई एक ऐसी घोषित मतलब क्या है, घोषणा करना। ठीक है, तो एक घोषित कार्य दिशा, यानी कि काम करने का जो हमारा तरीका है या जो डायरेक्शन है, जो कि हमको भविष्य का रास्ता बताती हो, लक्ष्य तय करती है, या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व मतलब दिशा निर्देशों की व्यवस्था करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं की भी अपनी नीतियां होती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बात की गई है, नीति का मतलब क्या होता है, हम किसी काम के लिए, आपको पता, रणनीति बनाते हैं। ठीक है, पहले से ही अपनी नीति निर्धारित करते हैं कि हमको क्या काम करना है। जैसे सपोज हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने बस किसी से सुना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, अच्छी बात होती है, सो हमने लग गए, बस भेड़ चाल में लग गए, कोई पता नहीं हमको क्या करना, कैसे करना है, लग गए हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम अपनी नीति, अपनी रणनीति जो होती है, तो उसको बेहतर तरीके से बना के चलते हैं, अपनी जो नीति, हमारी नीति निर्धारण है वो अच्छे तरीके से करते हैं नीति का निर्धारण। ठीक है, कि हमको कितने मतलब कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने मतलब कितने स्लॉट में हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब एक वीक में कितना कंप्लीट करना है, हम अपना टारगेट बनाते हैं कि कितना कंप्लीट करना है, उसके बाद हमारा सिलेबस किस कितना कंप्लीट हो गया है, देन हमको प्री तक कितना कंप्लीट करना है और मेंस तक की कितनी बातें हमको कंप्लीट करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो कैसे पढ़नी है, और प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, सिलेबस में क्या बातें कही गई हैं, और जो बुक है हमारी कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, कितने बार रिवाइज करना चाहिए, वो सारी रणनीति हम पहले से ही अपना बनाते हैं। ठीक है, अपना पूरा टारगेट एक फिक्स करते हैं कि हम कुछ, यहाँ पे मैंने आपको बस आप जिस सिचुएशन में हो अभी वही एग्जांपल देके समझाया, अदरवाइज हम कोई और भी काम करने जा रहे हैं, कहीं हमको जाना है। ठीक है, सपोज यहाँ से आप समझिए कि हमको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो हमको पहले ये तो तय करना पड़ेगा ना कि हाँ मैं इधर से राइट जाऊँगा, उधर से लेफ्ट जाऊँगा, उधर से राइट जाऊँगा, तब जाके हम स्कूल पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्कूल है, तो यहाँ से हम जाएंगे, रास्ता हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, तो हमारी पूरी रणनीति होगी कि हम इधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे और किस तरीके से स्कूल तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इसमें वही बात समझाई गई है कि एक घोषित दिशा निर्देश जो भविष्य का रास्ता तय करती, यानी हम पहले से ही नीति बना के चल रहे हैं कि हमें भविष्य में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, एक इमेजिनेशन करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला होगा यदि ऐसी रणनीति बनाते हैं। क्योंकि हम कोई बिजनेस वगैरह प्लान करते हैं, यहाँ पे हम यूपीएससी का ही ले लें, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यदि हमारी सही स्ट्रेटजी होती है, सही नीति हम बनाते हैं, उसका निर्धारण करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और यही हमारी सबकी इच्छा भी होती है, और उसी तरीके से यदि हमारी सही अप्रोच रही तो बिल्कुल हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन यदि हमारी सही अप्रोच नहीं रहती है तो हम जीवन भर भटकते रहते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कि आपके कोई रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी काम हो, यदि हमारी सही रणनीति नहीं होगी तो हम बेहतर अपना आउटपुट
नहीं दे पाएंगे और हमेशा एक काम करेंगे फिर उससे हेजिटेट होंगे, उसको छोड़ेंगे, दूसरा करेंगे, या ना तो एक पूरा हुआ, ना दूसरा पूरा हुआ, ना तीसरा पूरा हुआ। और क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपनी नीति का निर्धारण सही तरीके से नहीं किया था, हमें अपना टारगेट नहीं पता था, हम बस हवा हवाई करते जा रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे एक बार मैं और इसको आपको पढ़ के समझाती हूँ। क्या है कि एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांत व दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। ठीक है, अध्याय में, इस अध्याय में हम सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, यानी कि सरकारी नीतियों का इस अध्याय में उल्लेख किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी नीतियों का निर्धारण किया जाता है, और ऐसा नहीं किया जाता कि हम इस पंचवर्षीय में हैं, यानी कि हम अभी जब तक हैं तब तक की, जब तक हमारी सरकार है तभी तक ये नीतियाँ बनाई जाएगी, और ये लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीम्स जो भी लाई जाती हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी पॉलिसीज लाई जाती हैं, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं की भी अपना अपना नीति, मतलब इनकी भी अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। ठीक है, हमारी भी अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं स्कूल संस्थाओं के साथ साथ। खैर, ये तो मतलब ये है कि पब्लिकली सबके लिए, लेकिन हम अपने लिए भी, अपनी रियल लाइफ में भी अपने लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। सब लाइफ में भी यदि हम डिसिप्लिन अपनी लाइफ जी रहे हैं तो बेटर है, अदरवाइज कब उठना, कब सोना, कब खाना कुछ पता ही नहीं रहता। ठीक है, सो आई होप कि इतने वर्ड्स की जो मीनिंग थी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अध्याय की, जो फर्स्ट में बात की गई है कि क्या क्या हमको इस अध्याय के अंदर पढ़ना है, तो इसमें बात की गई है कि पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानताओं व भेदभाव के अनेक अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक संतावना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने देखा है कि इन लोगों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी, सबने संघर्ष किया। सीधे तौर से यहाँ पे कहने का मतलब है हर एक क्षेत्र में, कि चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे इकोनॉमिकली इनको वीक थे तो इनको अच्छा, मतलब कि ऊपर उठने के लिए काम किया हो, या अपनी धार्मिकता जो इनकी थी, धर्म रीति रिवाज, उनको बचाने के लिए काम किया हो, तो सबके लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिला, लेकिन आज भी वो जो भी है, हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय यदि हाशिए पे पहले थे, बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, हमने डिफरेंस भी देखा था, बट आज की तुलना में यदि हम बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे उनके संघर्ष के बाद ही ऐसा हो पाया है। हम महिलाओं को देखते हैं कि पहले उनकी जो दयनीय स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। ठीक है, आज भी है, लेकिन आज काफ़ी कुछ सुधार हो चुका है। उसके बाद आता है कि स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। ठीक है, तो उनको, जब हमको किसी के द्वारा दबाया जाता है, लगातार हमको एक समाज से अलग रखा जाता है, उस टाइम पे हमारे माइंड में ये बातें आती हैं कि कौन सा ऐसा हम उपाय करें या ऐसा तरीका अपनाएं कि लोग एक ही बार में हमारी बातें मान लें और हमको अपना सही स्थान मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। तो इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति आज हम बात कर रहे हैं, यदि कि उनको कुछ अधिकार जो उनके थे मिल चुके हैं, तो उन्होंने आखिर क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है,
यानी कि जितने भी है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो और चाहे औरतें हो, तो ये जितने भी हाशियाईकरण में हैं और भी जो लोग हैं कि जो भी हाशिए के शिकार हैं या हाशिए पे रखे गए हैं, वो दलील दे रहे हैं। क्या दलील दे रहे हैं? कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते हमें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और हम भी समाज में रहने के लिए या जीवन जीने के लिए बराबर के हकदारी हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उनमें से बहुत सारे लोग, मतलब लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकसित यानी कि विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत से जो भी क्वेश्चंस है कि यानी इससे कैसे निपटे जाएंगे, सरकार के द्वारा क्या क्या इसमें बात की गई है या कि और कुछ जो भी है, वो सारी बातें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यदि हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, मौलिक अधिकारों का उपयोग, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो यूज है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करें यदि, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस पुस्तक में पहले अध्याय में ही हम पढ़ चुके हैं कि संविधान में कई ऐसे सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो कौन है? मौलिक अधिकार। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है या मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान के किस भाग में रखा गया है। ये क्वेश्चन मैं एक दो बार पूछ भी चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें रिवाइज के तौर पे मैं पूछ रही हूँ, तो इसमें मतलब आपको बताना है कि किस भाग में रखा गया है, देन इसमें कितने से कितने तक आर्टिकल है, और इसमें एक और क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, उनके नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो इतना वर्क आपको करना है, दैट मीन्स होम वर्क है, आपको मुझे बताना है। यदि नहीं पता है तो रिवाइज करना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे जो हमारे ये अधिकार हैं उनको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे बात करें, ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, सभी भारतीयों को, यानी कि भारत में रहने वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको अधिकार ये प्राप्त ना हो। और भारत में रहने वाले व्यक्ति में से कौन आते हैं जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो, ठीक है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि हमको, मतलब विदेशियों को भी प्राप्त है यहाँ पे, लेकिन जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो भारतीय नागरिकों के लिए बात की जा रही है। तो भारत में जो भी भारतीयों का समान रूप से अधिकार होता है, ठीक है, उनको ये अधिकार उपलब्ध होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब हम और इसके डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता है कि 6 हैं, उनमें से जितने भी हैं, ठीक है। खैर, ये क्वेश्चन मैं पूछी हूँ तो आज आपको बताना, कल इसका मैं अच्छे तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। तो वहाँ पे जितने भी हैं, तो उनमें से कुछ विदेशियों को भी रखा गया है कि जैसे कि हम दैहिक और दैविक रूप से जीवन जीने की स्वतंत्रता हमको है, तो कोई विदेशी आके तो यहाँ अपनी जान तो नहीं गंवा सकते, तो ये स्वतंत्रता उनको भी मिलनी चाहिए, ठीक है, और मिलती भी है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हम पढ़ेंगे जब अपना ये हमारा जो क्या है मौलिक अधिकार है उनके बारे में, तब डिटेल से समझेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमको याद रखना है कि भारतीय जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो, उनको ये अधिकार जितने के जितने हैं सभी उपलब्ध हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। पहला, यानी कि हाशियाई जो तबका है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया। अब इनमें पहला क्या है,
अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट क्या है और ये किनके द्वारा किया गया, जो हाशियाई कर मतलब कि हाशिए पे अभी खड़े हुए हैं, तो ये क्या करते, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए क्या किया, मजबूर किया। दूसरे की बात करें तो उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। ठीक है, यानी कि हाशियाई जो तबके हैं उनके द्वारा जब उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, तब भी गवर्नमेंट कानून बनाती है। और गवर्नमेंट की सरकार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे मैं एक बार और आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो हमारी एक लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता कोई भी निर्णय लेती है तो उसमें जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक मेजर रोल जनता वहाँ पे प्ले करती है। तो यहाँ पे यदि जनता हमारे देश की क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। सपोज आप ऐसा समझिए कि हम क्या सोचें कि चलो जो होता होने दो, आप सोचिए कि चलो जो हो रहा होने दो, और कोई तीसरा व्यक्ति सोच रहा है कि चलिए जो भी हो रहा होने दो, हमको क्या करना। उससे क्या होगा कि भाई लोकतंत्र में जो भी सरकारें हैं उनको भी लगेगा चलिए जो भी हो रहा होने दो, हमारा क्या जाता, हमारा क्या बिगड़ रहा, हम तो ऐसो आराम की ज़िंदगी इसे जी रहे हैं अपनी, और जितने 4-5 साल रहना रहेंगे, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय में भी यदि जीत गए तो रहेंगे सत्ता पे, नहीं तो फिर अपने घर पे रहेंगे। ठीक है, तो इसमें यदि जनता अपना मेजर रोल प्ले नहीं करेगी, जैसे APMC का अभी एक्ट आता है, ठीक है, जो ये कानून पारित होता, किसानों को इससे प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी किसानों को इसमें समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे कुछ अधिकारों का यहाँ पे हनन हो रहा है, या कि वो जो पहले सुविधाएं मिल पा रही थी डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा वो सब हमसे छीना जा रहा है, तो वो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि वो सीधे तौर पर आंदोलन कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट अब इस पर सोचने के लिए मजबूर होगी कि ये आंदोलन, मैंने ऐसा एक्ट बनाया, ऐसा कानून बनाया, यहाँ पे जनता को प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको पता है कि मोदी जी लगातार स्पीचेस अपना देते जा रहे हैं कि ये एक्ट ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं वैसा है, ठीक है, समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे, और आई होप कि मैं APMC के बारे में बोल रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें शायद जो डेली करेंट इशू आता है उसमें आपको समझाया भी गया है, और यदि नहीं पता होगा तो मैं आपको डिटेल से बता दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पता है कि नहीं। ठीक है, मैं ये आशा रख रही हूँ कि आपको पता होगा, यदि आप डेली देखते होंगे, न्यूज़पेपर भी फॉलो करते होंगे, तो वहाँ पे समझाया गया है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो इसमें ये किसानों के लिए एक्ट लाया गया है, और इसमें मतलब किसानों को ऐसा लग रहा है, आप देख रहे हो कि पंजाब में या हरियाणा में बहुत ज़्यादा आंदोलन किए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, तो क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को उनको लग रहा है कि गलत कर रही है। ठीक है, यानी कि बस मेरे समझाने का मतलब ये है कि लोकतंत्र की जो हमारे लोकतंत्र की सरकारें होती हैं, यदि जनता उसमें अपना मेजर रोल ना निभाए तो वो कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाएंगे, कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए जनता का वहाँ पे मेजर रोल होता है और बिल्कुल करना भी चाहिए। अब यहाँ पे जरा आप सोचिए कि यदि महिलाएं थे उनको लगातार दबाया जा रहा था, राइट, और उनको लगातार दबाया जब जा रहा था, यदि महिलाएं आंदोलन नहीं करती तो क्या गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती, कभी नहीं देती। आज पहले हमारे स्वतंत्रता के बाद से काफ़ी लंबे टाइम तक भी ध्यान नहीं दिया गया, तो वहाँ पे जब उन्होंने मतलब उठकर सामने आवाज़ उठाई तभी उन पे ध्यान दिया गया। 3 तलाक पे मुस्लिम महिलाओं ने जब ध्यान दिया, मतलब कि आवाज़ उठाई, तभी उनका ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया, तो वो बात सामने आई। ठीक है, लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, दलितों के लिए हम देख रहे हैं आरक्षण की बहुत ज़्यादा, मतलब कि हर एक सेक्टर पे आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जब तक दलित वर्ग के लोग यदि आवाज़ नहीं उठाते तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती, कभी नहीं बनाती। इसीलिए कि कहा जाता है कि लोकतंत्र में यदि सरकार को काम करने के लिए कोई प्रेरित करता है तो वो जनता है, जनता ही बनाती है, और वही उनको प्रेरित करती कि आप ऐसा करो।
हम ही बताते, और यदि हम ही न्यूट्रल हो गए जिस दिन कि नहीं हो गया, होने दो जो हो रहा हमारा क्या जाता है, उस दिन क्या होगा, सरकार अपना मौज से रहेगी और जनता भूखों मरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनता ही उनको क्या करती है, अब इसमें जो हाशिए पे हैं यही क्या करते हैं, दो इसमें बताया गया इनका रीजन, यही सरकार को बाध्य करते हैं कि इन पे वो सरकार ध्यान दे और कानून बनाए। उसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बात किया गया, आर्टिकल 17, आप यदि नहीं लिखे हो, आई होप कि मैं लिखवा चुकी हूँ, यदि आप जो भी न्यू हो नहीं लिखे हो तो आप अपनी नोट्स में इसको लिख लेना है सबसे पहले कि आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17, उसके बाद डैश करके आप लिखोगे अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत लिख लेंगे या अनटचेबिलिटी या कि छुआछूत का अंत। ठीक है, तो इसमें बात क्या की गई है, यानी कि इस वर्ड का मीनिंग समझे, इसका मतलब क्या होता है कि अब कोई भी व्यक्ति, यानी कि हम 6th क्लास में पढ़े थे, या हम बात करें तो हिस्ट्री में जाते हैं तो मध्यकाल की बात करें या आज़ादी से पहले की बात करें, वहाँ पे होता क्या था कि दलितों को मतलब स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। वाल्मीकि जी की कहानी हम पढ़े हैं, उसके बाद अंसारी दंपत्ति की भी कहानी पढ़े कि उनको क्या है, एक रेंट में रूम नहीं मिल रहा था। ठीक है, उनके सिर्फ जाति धर्म के कारण उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा था कि ये अछूत होते हैं, इनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया कि जो भी हमारी लोकतांत्रिक सरकार थी वो क्या कर दी, बैन लगा दी। यानी कि यदि अब कोई व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में ऐसा करता हुआ पाया जाता है कि कहीं पे वो छुआछूत का अपने मन में सार्वजनिक रूप से, ठीक है, आप निजी लाइफ में क्या कर रहे हो वो आपकी निजी लाइफ है, यदि आप कहीं पे सार्वजनिक रूप से, यानी सपोज यहाँ पे आपको पता होगा कि गांव वगैरह में जो भी नल बनाए जाते हैं, ठीक है, अब किसी एक सार्वजनिक स्थान पे नल बना दिया गया, वहाँ पे सब पानी भरने आते हैं, अब उस नल पे आपने क्या किया, कोई उच्च वर्ग के लोग हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, दलित वर्ग को मतलब आने ही नहीं दे रहे उस नल में, तो उसमें से क्या होगा कि आप छुआछूत की भावना रख रहे हो और ऐसे में कानून आपके प्रति एक्शन ले सकता है, सरकार आपके प्रति कड़ा एक्शन ले सकती है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत हाई वाला एक्शन ले सकती है। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, संविधान के आर्टिकल्स का उल्लंघन कर रहे हो, यानी कि किसी को जीने का अधिकार है लेकिन आप उसको छीन रहे हो वहाँ पे, तो इसलिए ऐसी बातें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये दंडनीय हमारा जो अस्पृश्यता का या अस्पृश्य छुआछूत है वो क्या है, एक दंडनीय अपराध माना जाता है। उसके बाद आता है कि संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है, उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में हम कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल से समझ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित एवं प्रावधान, मतलब कि दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं, यानी कि जब इनका हनन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं या किसी पे न्यायालयी अपील करते हैं या पुलिस में केस दर्ज कराने जाते हैं, वहाँ पे यही बातें करते हैं कि हमारे संविधान में इतने इतने आर्टिकल में बात की गई। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे, अभी जस्ट 4 अक्टूबर को आपको पता है UPSC का पेपर होना, ठीक है, लेकिन क्या किया गया कि 20 बच्चों के द्वारा जो UPSC एस्पिरेंट थे उनके द्वारा क्या किया गया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई कि ये हमारे आर्टिकल 21 का हनन कर रहा, यानी कि जीवन जीने की हमको स्वतंत्रता है लेकिन COVID-19 की वजह से क्या होगा कि यदि हमको कुछ हो जाता है तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हमारे जीवन UPSC आयोग के द्वारा कि हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, यानी आर्टिकल 21 का हनन हो रहा।
ये हमको बताना पड़ता। बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि जब आप याचिका दायर करने जाते हो तो यहाँ पे यदि इनके साथ भेदभाव होता है दलित वर्गों के साथ या कि अन्य जो भी जाति धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति के आधार पर, लिंग या जन्म जात के आधार पर या नस्ल के या धर्म के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव होता है तो हम जाके बताएंगे कि मतलब याचिका दायर करते समय लिखेंगे कि आर्टिकल 15 का या आर्टिकल 17 का या आर्टिकल 16 का या कि हम बात करें तो आर्टिकल 21-19 का क्या हो रहा है, हनन किया जा रहा है, जबकि हमको पूर्ण रूप से अधिकार है जीने का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे आर्टिकल 15 या आर्टिकल 17 या आर्टिकल 16 का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है। और ये जो मैं आर्टिकल जितने बोल रही हूँ, मैं सारे आर्टिकल बेहतर तरीके से आपको लिखवा भी चुकी हूँ, सो आप लोगों से यदि बोल भी गए हों तो रिवाइज आज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी सारी लाइफ में काम आने वाले हैं। आज ही नहीं, सारी लाइफ में काम आने वाले, एग्ज़ाम के पहले भी और एग्ज़ाम के बाद भी, इसलिए हमको ये पता होने चाहिए। और साथ साथ हम अधिकार लेने में तो बड़े माहिर होते हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटी होती है उसकी हमको कभी खबर ही नहीं होती है। तो आपके लिए ये होमवर्क भी है कि आप फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य जो हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए और आप अच्छे तरीके से उनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो हम वहाँ पे सॉरी सर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है और ये हमसे आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या कि बात करें यहाँ पे हम, तो सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्हें बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। ये हमारे, जब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट अधिकार है यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, इसमें क्या बात की गई है कि वो जितने भी ये हमें ऊपर के अधिकार दिए गए हैं 5-6, उनका सबका संरक्षक करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान का पूरे का मतलब कि संरक्षक जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को न्याय देने की क्षमता रखता है या न्याय का मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है वो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसलिए वो बाध्य होता है और हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए याचिका दायर करते हैं और इसीलिए ये आर्टिकल का हम मतलब सरकार को भी, न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका को भी, विधायिका को भी याद दिलाते रहते हैं कि हमारे संविधान के इस आर्टिकल का हनन हो रहा, और यही वजह होती है कि वो लोग काम करने के लिए बाध्य होते हैं कि ये कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों त्वरित निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे हम आर्टिकल के माध्यम से संविधान को याद दिला के बात किए कि आर्टिकल 21 का हनन किया जा रहा। हालांकि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है और वो सब कुछ पहले से ही सारी, क्योंकि एक बार UPSC का जो एग्ज़ाम है, आपको पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को था, जो कि पोस्टपोन पहले कर मतलब वो लोग कर दिए थे, ठीक है। तो जो 4 अक्टूबर को डेट आई थी और ये डेट शायद जून में आनी थी, तो 31 मई से 4 अक्टूबर को किया गया। अब इसके बाद अब जब ये याचिका दायर भी करते 2-3 महीने करते तो कुछ पहले करते तो सोचा जाता, लेकिन ये जब आज ही कर रहे हैं यानी कि पेपर होने के 4-10 दिन बाद कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसमें बात की गई कि भाई अब ये पॉसिबल नहीं है। अब UPSC का एग्ज़ाम यदि हम कैंसिल करते हैं ये किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है और ना ही सही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे आप में, आपके रिलेटिव्स में जो भी या आप लोग में से, शायद आप लोग यदि एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो वीडियो नहीं देख रहे होंगे, ठीक है, यानी कि अब हम बात कर सकते हैं कि आपके रिलेटिव यदि कोई हैं और उनका लास्ट अटैम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से अपनी याचिका में कहा कि यदि उनका किसी का लास्ट अटैम्प्ट है यानी एज के हिसाब से, ठीक है, एज के हिसाब से या अटैम्प्ट के हिसाब से, क्योंकि उसमें अटैम्प्ट भी फिक्स होते हैं कि आप 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी दे सकते हैं, और एज भी होती है कि आप कितने साल तक दे सकते हैं। दोनों भी तरह से यदि किसी का लास्ट अटैम्प्ट है और वो किसी भी कारण से, बाढ़ के कारण से, जो भी याचिका में दिया गया था कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है इसके लिए हम नहीं आ सकते हैं, या COVID-19 की वजह से, तो आप COVID-19 पॉजिटिव पाए जाते हो या कि बाढ़ में फंस जाते हो या किसी भी कारण से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो,
तो वहाँ पे 2021 में आपको क्या दिया जाएगा, एक चांस दिया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐसा कुछ मतलब संतुलन बनाते हुए पूरा निर्णय सुनाया है। तो अब यानी संडे को, यानी 4 अक्टूबर को, आज 2 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर और कल पेपर होना है, तो इसलिए आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें जो बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, सही सलामत जाएं और पेपर दे के आ जाएं, और सही अच्छे तरीके से पेपर दे के आ जाएं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं और यहाँ पे अब खैर व्यवस्थाएं अच्छी हुई होंगी। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसी तरह क्या होता है कि मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और फारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की परीक्षा का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि सुरक्षा का अधिकार, सॉरी यहाँ पे सुरक्षा है, तो सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों को संस्कृत पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृत का वर्चस्व है और ना ही वह नष्ट हो। ठीक है, यानी कि इनके जो भी इनको सब कुछ मतलब कड़े संघर्षों के बाद अधिकार दिया गया, और इसमें बात की गई है कि इनके संस्कृत पे किसी भी बहुसंख्यक समुदाय का कोई भी वर्चस्व नहीं होगा, और ना ही इनके जो भी मतलब रीति रिवाज हैं या धर्म है, जो भी ये मानना चाहते हैं, उनको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल्स में बात की गई है और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझाई गई है, और आप लोगों के लिए भी है कि आप लोगों में से यदि कोई ऐसा कर रहे हो कि मतलब किसी का हनन कर रहे हैं, किसी की स्वतंत्रताओं का, तो वहाँ पे नहीं करना आप। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप छुआछूत करके उनकी स्वतंत्रताओं का हनन करेंगे। वहाँ पे एक हमारा राइट होता है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार होता है हमको। ठीक है, अब उस स्वतंत्रता के अधिकार में यदि हमको क्या है, बोलने की स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल 19 में 6 बातें कही गई हैं, उनमें से बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, म्यूजिक सुनने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमें यहाँ पे सीधे तौर पे एक बात कही गई है कि स्वतंत्रता उतनी ही है कि दूसरे की स्वतंत्रता हनन ना हो, और यदि हनन होती है तो आपके खिलाफ भी क्या किया जा सकता है, कोर्ट केस किया जा सकता है। सो अच्छे तरीके से अपने संविधान का पालन करते हुए अपने मौलिक अधिकारों को आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिए, एंजॉय करिए, और अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अच्छे तरीके से समझिए, यानी अपने फंडामेंटल जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी हमको समझना चाहिए और उनका भी हमको पालन करना चाहिए। जब हम UPSC के ट्रेनिंग सेंटर मसूरी जाते हैं, वहाँ पर हमसे क्या कराया जाता है, ये मौलिक जो कर्तव्य होते हैं उनकी शपथ दिलाई जाती है, कितने कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। ठीक है, तो वो कर्तव्य हमको पता होने चाहिए कि कौन कौन से कर्तव्य हैं हमारे यहाँ, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, और जब मैं बता चुकती हूँ जो वही पूछती हूँ, तो बस इतनी आशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।